मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर क्या होती है? इनफाइनाइट वायर। क्वेश्चन है इस इनफाइनाइट वायर के आर डिस्टेंस दूर बी निकालो। हमने क्या हुआ है इनफाइनाइट वायर का बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर किया था हमने बायट सेवर्ट लॉ के अंदर। यही तो किया था कि इनफाइनाइट वायर के आर डिस्टेंस दूर बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई आर। लेकिन हमने वो प्रूफ बहुत लंबा किया था। पहले साइन अल्फा वन साइन अल्फा टू फिर 90 पुट किया था अल्फा वन अल्फा टू को स्पेशल केस, तब आंसर आया था। स्कूल में थोड़ा ना करोगे आप, क्या करोगे आपको इनफाइनाइट वायर करंट कैरिंग वायर गिवन है, आर डिस्टेंस दूर बी निकालना है, जहां बी निकालना है टेक अ क्लोज्ड पाथ। तो एक वायर है, एक इनफाइनाइट वायर है ये रहा। इस इनफाइनाइट वायर के आर डिस्टेंस दूर यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पर भी बी निकाल दो टेक अ क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ ले लिया आर रेडियस का, ये क्लोज्ड पाथ है, ये करंट नहीं है, करंट इसमें ऐसे ही है। तो इसके आसपास आपने क्लोज्ड पाथ लिया, ये बिल्कुल वैसे ही है जहां हमने ई निकालना होता था वहां टेक अ गॉसियन सरफेस, यहां पर हमने बी निकालना है टेक अ क्लोज्ड पाथ। हमने आर डिस्टेंस पे बी निकालना है तो आर डिस्टेंस पे टेक अ क्लोज्ड पाथ। तो इसके अंदर अगर करंट ऊपर जा रहा है वायर में तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर टेंजेंशियल बनेगा, डीएल वेक्टर भी टेंजेंशियल बनेगा, बी और डीएल में एंगल जीरो बनेगा। तो इस क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डीएल क्या होगा? बी डीएल कॉस जीरो, बी बाहर आ गया, डीएल 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 क्लोज पाथ का क्या बनेगा? टू पाई आर। तो सर्कल क्लोज पाथ का बी डॉट डीएल क्या बनेगा? बी इंटू टू पाई आर। लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहते हैं ऐसे करने की जरूरत क्या है? आप बस ये बताओ कि बी डॉट डीएल कैसे निकलेगा, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट उस क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है। तो मैंने कहा आई करंट जा रहा है, इस क्लोज पाथ के अंदर आई करंट जा रहा है, कितनी बार घूम रहा है? एक बार भी नहीं घूम रहा, सीधा स्ट्रेट जा रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई काम है ही नहीं, तो सिंपल आई लिख दें। तो ये भी बी डॉट डी एल, ये भी बी डॉट डी एल, दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करके बी आ गया। इस रिजल्ट को टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो टू इंटू टू फोर हो गया। देखो आपका आंसर बिल्कुल सेम वही आ गया। इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट यही किया था आपने। तो अगर आपके स्कूल में आता है इनफाइनाइट वायर की वजह से बी निकालना, आप बायट सेवर्ट लॉ मत लगाना, आप ये लगा देना आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इनफाइनाइट वायर का बी निकालना आ गया सबको? कोई डाउट इसमें?